तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को वफाकी पुलिस के हवाले करते हुए इन्हें जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को मुकामी अदालत में पेश किया। उन्हें पुलिस बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाई और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पीटीआई की जानिब से शुएब शाहीन, बैरिस्टर गोली और सरदार मसरूफ अदालत में पेश हुए और थाना बनी गाला के तफ्तीशी ऑफिसर अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा की। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, जब तक केपी के पुलिस नहीं आती जुडिशल कर दिया जाए, असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजा जाए। तफ्तीशी ऑफिसर के मौके पर शुएब शाहीन ने कहा कि असद कैसर के वकला को बताया जाए पुलिस क्या चाहती, क्या असद कैसर को गिरफ्तार करने का इख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को किसने दिया। पहले इलेक्शन का ऐलान हुआ और असद कैसर को आज गिरफ्तार कर दिया गया। शुएब शाहीन ने असद कैसर को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की और कहा, हम हिफाजती जमानत दायर कर रहे। अदालत ने असद कैसर के जुडिशल रिमांड की इस्तदा पर अदालत ने महफूज फैसला किया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए इन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया और इन्हें जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दिया। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को जुडिशल लॉकअप पर अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया।